हेलो 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 दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से कतु गेमर चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ टूम राइडर का नेक्स्ट चैप्टर। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि लारा क्रॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों को मारा क्योंकि इसके साथ हो रखा था ट्रैप, तो बहुत सारे लोगों ने उसको घेर दिया था। तो उसने अकेले ही सब लोगों को शमशान भूमियों की तरफ पहुँचा दिया है। तो यहाँ से हम करेंगे लारा क्रॉफ्ट का आगे का एडवेंचर पूरा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से, लेट्स प्ले होले। तो दोस्तों, यहाँ से करते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट और यहाँ पर एडवेंचर हो चुका है लारा क्रॉफ्ट का स्टार्ट। और चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, देखते हैं आगे क्या क्या सीन और कहाँ से। ओ भाई, यहाँ बंदे कूदने लग गए आते ही, यहाँ पर स्टार्ट होते हैं गेम को। और इसका तीर मैंने इसके मुंह के आर पार कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई। अभी मिशन स्टार्ट हुआ ही और यहाँ पर आने लग गए, यहाँ पर मेरे को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारी गैंग इनकी। और मैंने यहाँ पर जला लिए मसाल, मुझे लग रहा है कहीं अंदर जाना पड़ेगा इस मसाल को लेके, जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो और शायद से मुझे जलाना है यहाँ पर। तो मैंने इस पर लगा दी आग और यहाँ पर आग लगा दी। अब निकलते हैं बाहर की तरफ। ओ भाई, ये बंदा मैंने बहुत ही तगड़ी तरीके से मारा, इसका मुँह के अंदर से मैंने यहाँ पर कर दिया था आर पार यहाँ पर तीर। और यहाँ पर तो देखते हैं गेट खुलता है कि नहीं, और गेट खोलते हैं यहाँ पर से। ओ भाई, गेट टूट चुका है, यहाँ पर खोल चुका हूँ मैं इस गेट को। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। ओ भाई, यहाँ बिल्कुल ही सुनसान हो रखा है यार, कोई लेप सी लग रही है यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली, किसी ने कोई लेप बना रखी है यहाँ पर शायद से। ओ भाई, ये ऑन, भाई ऑन करने का था पर हाथ में आ गया, चालू नहीं हुआ। कुछ तो यहाँ कंट्रोल करने के लिए था पर टूट गया यहाँ पर जंग के मारे। देखते हैं यहाँ से कोई बाहर जाने का रास्ता निकालते हैं पहले। और यहाँ का मौसम, टेम्परेचर बहुत ही ठंडा लग रहा है मेरे को क्योंकि ऊपर से बर्फ जैसी भी गिर रही है। मुझे लग रहा है बाहर की तरफ बर्फ गिर रही है, बहुत ही बर्फबारी हो रही है। देखते हैं बाहर क्या हो रहा है आखिरकार, एक बार रास्ता ढूंढ लेते हैं। अपनी फ्रेंडों से बात कर रही है शायद से, वो भी ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। ओ भाई, वो टावर में कुछ तो है, यहाँ पर सिग्नल आ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद से मेरे को टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जो आगे आपको टावर दिखा भी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर सिग्नल बहुत ही डाउन चल रहे हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है अंदर की तरफ, मेरी बात नहीं हो पा रही अपने दोस्तों के साथ जो मुझे बचाने आए, उनसे मुझे बात करनी है। तो मुझे निकलना आगे की तरफ, बाहर जाता हूँ पहले यहाँ से क्योंकि शायद से मुझे टावर पर चढ़ना पड़ेगा ऊपर और वहाँ से नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ेंगे। तो यहाँ से है शायद से थोड़ा सा रास्ता, और ये बाहर जाने का रास्ता है। ओ भाई, बाहर बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है भाई, बर्फबारी हो रही है बहुत तगड़ी वाली बाहर। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। ओ भाई, यहाँ पर गैस पाइपलाइन यहाँ पर बिल्कुल टूट सी रही है और पीछे से गैस लाइन छोड़ रही है, बिल्कुल जहरीली गैस छोड़ रही है। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रखा है इन पाइपों के द्वारा। ओ भाई, सारी पाइपलाइन खुद ही फट जा रही है यहाँ पर, और लड़की बहुत ही ज़्यादा डर रही है यहाँ पर लारा क्रॉफ्ट। और यहाँ से मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा पाँव से, शायद से यहीं से बाहर जाने का रास्ता होगा। ओ भाई, ये टूट चुका है यहाँ पर बिल्कुल। भाई, यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ। ओ भाई साहब, बाहर देख सकते हो आपकी कितना तगड़ा मौसम हो रखा है यहाँ पर, बर्फबारी से पहाड़ देख सकते हो पूरे ढके हुए हैं बर्फ़ से यहाँ पर। और यहाँ पर पक्षी देख सकते हो आप, आसमान में पूरा घेर रखा उन्होंने बर्फ़ को यहाँ पर। भाई साहब, यहाँ पूरी बर्फबारी हो चुकी है, शिमला बना दिया है इन्होंने यहाँ पर, और आग तक बुझ गई यहाँ पर, आग भी नहीं जली हुई है। भाई, ये पूरा वाला पुल टूट रखा है यहाँ पर, मेरे को संभल के साइड से जाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे पूरी खाई है, थोड़े से भी पिछले बर्फ़ में तो जान बिल्कुल जोखिम में आ सकती है। भाई बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। भाई, ये मैंने पार कर दिया यहाँ पर, जब मैं निकल चुका। ओ भाई, आते एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया यहाँ पर। ओ भाई, खींचने के लिए नीचे फेंकने लग गया और उसको मैंने पाँव से धक्का मारना पड़ेगा। ओ भाई, ये मैंने इसको मार दिया लात, और भाई ये जा चुका है बिल्कुल पत्थरों पर, इसके सर नांग मुँह सब फट चुके हैं और अलग अलग हो चुके हैं इसके धड़ से। भाई साहब, ये छुप छुप के मेरे को देख रहा था इसका मतलब बहुत देर से। भाई, एक बंदा और, भाई साहब बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, एक बंदे नहीं यहाँ बहुत सारे बंदों ने मुझे देख लिया है यहाँ पर, एक मैंने उड़ा दिया है। भाई, एक मोली, भाई मोली इनके बाद थोक के भाव में भरे हुए। भाई, आग लग गई मेरे बाल किसी पर, बच गया मैं, एक और आ गया, इसको भी निपटाते हैं और इसका शरीर फाड़ेंगे सीधा। भाई, इसके गले से आर पार हो गई है तीर, आप देख सकते हो ऊपर वाले के पास बहुत सारी मोली है, इसको मारना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे को जला सकता है। पर ये नीचे की तरफ खुद ही आ रहा है, मौत को अपने सामने से मारना, मरते हुए देखना चाहता है शायद से, मुझे लग रहा है। तो यहाँ से इसको मार दिया है, चौथा बंदा देखते हैं। भाई, अभी तो कोई नहीं दिख रहा, बाकी मुझे लग रहा है कि तीन चार बंदे थे, ये मैंने टपका दिए।
भाई बर्फ देख सकते हो आप भाई, बहुत ही तगड़ी बर्फ गिर रही है यहाँ पर, और पहाड़ देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है ऊपर वाला पहाड़ तो। ओ भाई एक बंदा और, उसने देख लिया मुझे, इस पर भी निशाना साधते हैं, और इसको भी मैंने उतार दिया है मौत की घाट यहाँ पर। भाई ये भी मर चुका है। अब निकलते हैं आगे धीरे धीरे करके, सामने वाले सामान उठा लेते हैं, इससे भी सामान उठा लिया मैंने, और निकलता हूँ आगे की तरफ फटाफट। ओ भाई उसने मुझे देख लिया, मोली उसने मेरे फेंकी दी थी पर मैं बच गया थोड़ा सा। ओ भाई इसको भी निपटाते हैं, इसका सर फाड़ दिया यहाँ पर। ओ भाई इसके दिल में मैंने तीर मार दी पर ये मरा नहीं, पर ये तलवार के धार से मरना चाहता था, तो मैंने इसके सर पे मार दिया तलवार और दो भाग कर दिए सर के। तीसरा बंदा भी आ चुका है यहाँ पर। ओ भाई सारे बंदे एक एक से यहाँ पर धुरंधर है, पर ये लारा क्रॉफ्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि लारा अपने आप में ही एक जंग के मैदान से निकली हुई नारी है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये है ऐसी लड़की जिसको सारे एडवेंचर अकेले कंप्लीट कर देती है और कोई भी इसको मार नहीं सकता। तो यहाँ पर सबको लाशों की ढेर लगा चुकी है और निकल चुकी है यहाँ से आगे। देखते हैं क्या करना है, हमें कहाँ जाना है आगे की तरफ, हमें जाना है टावर की तरफ, हमें टावर में चढ़ के सिग्नल कैच करने और अपने दोस्तों को बुलाना है अपने आप को लेने के लिए। देखता हूँ मैं टावर के तरफ पहुँच सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे को पहुँचने देंगे कि नहीं। और भाई सामने वो कंटेनर पे मैंने आग लगा दी तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हो चुका है, सारे वहाँ पर एक साथ ही मर चुके हैं, आग लग चुकी है सब पे, पक चुके हैं तंदूर की तरह। अब निकलते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। टावर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमें जाना है टावर का पता करना पड़ेगा मुझे। भाई एक बंदा और आ गया, भाई साहब इनके पास इतनी मोलियां हैं कि सीधा तीर से मोलियां मार रहे हैं मेरे पे, पर इसका बचना मुश्किल है क्योंकि इसने मुझे, ओ भाई इसने पीछे से मेरे पे गला पे चाकू रख के मार दिया था पर मैं बच गया। ओ भाई साहब इसने मेरी हेल्थ बहुत डाउन कर दी है। भाई ये पीछे से कब आया पता ही नहीं चला इसका, बहुत ही तेज हो चुके हैं यार मेरे को मारने के लिए, बहुत ही छुप छुप के आ रहे हैं बंदे, ये खुले मैदान में नहीं आ पा रहे हैं, छुप छुप के वार कर रहे हैं मेरे को, बुजदिल हैं पूरे के पूरे सबके सब ये। हम नीचे की तरफ जाते हैं, उस बंदे को ख़त्म करना पड़ेगा। भाई एक बंदा ऊपर से टपका है, उसको देखते हैं वो कब तक बाहर आता है, ऊपर से कहीं मोली ना फेंक दे जब तक आता है, इससे सामान उठा लेता हूँ। ये वाला बंदा भी यहाँ पर ढेर हो चुके हैं, दो बंदे यहाँ पर एक साथ ढेर हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर की तरफ। भाई बर्फ बहुत ही तेजी से गिरने लगी है, अब और ज़्यादा तूफान आने लग गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो बर्फ ऐसे गिर रही है यहाँ पर बहुत ही तेजी से। यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, सब बंदे यहाँ पर निपटा चुका हूँ और मेरे अपने दोस्तों को भी ढूंढना है, दोस्त मेरे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो भटक रहे हैं अभी, वो भी ऐसे ही हालातों से लड़ रहे होंगे जैसे हालातों से मैं इन सबको मार रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मार रहे होंगे इस टाइम पे। भाई ये बंदे आने का नाम ख़त्म नहीं हो रहा, ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, इतने सारे बंदे आ जा रहे हैं। भाई इसको मैंने तलवार से मार दिया, मेरे सामने कूद गया था ये, जो ऊपर से भी आएगा वो कूद के उसको मैं तलवार की घाट उतारूंगा और नहीं बाकी को तो मैं तीर की घाट ही उतार दूंगा। इस पर मारते हैं भाई, मोली लेके सारे बंदे खड़े हैं, मोली हर एक बंदे के पास मोली पड़ी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरह यहाँ पर, अब हमें वो टावर ढूंढना है जहाँ से हमें अपने दोस्तों को मिलाना है फ़ोन और उनको बुलाना है अपने आप को लेने के लिए। देखते हैं वो किस चीज़ में आते हैं और हम टावर को ढूंढ पाते कि नहीं, देखते हैं। वो भाई यहाँ सब बहुत सारे बंदे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये दरवाज़ा खोल रहे हैं, पर इनके पास पूरा इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट और शील्ड यहाँ पर पहन रखी है, इनको मारना मुश्किल हो सकता है। भाई इसको पहले देखते हैं ये मरता है कि नहीं, भाई इसको जहाँ पर भी थोड़ा सा दिखे तुरंत मारना पड़ेगा, इसको घूम घूम के मारना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे को मौत की घाट उतार देगा। भाई इसको मारना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, भाई ये थोड़ी सी भी जगह नहीं दे रहा अपने आपको मारने के लिए। ये देते से मौका गोली मार दी मैं इस पर और फिर भी ये बच गया, अब मुझे पता है गोली से मरेगा। भाई इसने थोड़ा और दिया, भाई अभी भी मारा नहीं, बहुत सारी गोलियों से मैं छन्नी छन्नी कर चुका हूँ। भाई अभी भी ये मरने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ शील्ड पहन रखी है अपने पास, पूरी शील्ड भी और पूरे जैकेट वगैरह सब पहन के आया है बाहर, ये इसको पता था कि इसके पास लड़की के पास सब कुछ है। और फाइनली ये मर चुका है, यहाँ पर ढेर हो चुका है, इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट इसके कुछ काम नहीं आई,
यहाँ पर एक बंदा और आ चुका है, इसको मैंने मार दिया है भाई। इसने मोली फेंकी दी थी मेरे पर, बच गया मैं थोड़ा सा। अब देखते हैं हमें कहाँ जाना है। अब बढ़ते हैं, इससे सामान उठा लेते हैं पहले। तो सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है, अब देखते हैं तीरे उठा लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों इनसे सब चीज़ें मैंने कर दी है कलेक्ट यहाँ पर, और मुझे ढूंढना है टावर, देखते हैं टावर कहाँ मिलता है हमें। और यहाँ फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं ख़त्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि टावर हमें मिलता है कि नहीं और अपने दोस्तों को हम बुला पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पर अल्पविराम देते हैं आज के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.